मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट लेसन अपन पढ़ेंगे रीक की मात्रा। क्या है अपना लेसन? रीक की मात्रा। री से ऋषि वाला, जैसे वृक्ष, ग्रह, मृग, नृप, वृषभ, कृषक। तो देखो सभी में रीक की मात्रा कहाँ लग रही है? नीचे लग रही है। री क्या है? वर्णमाला का सातवां वर्ण है। वर्णमाला का कौन सा वर्ण है? सातवां वर्ण है। इसका उच्चारण स्थान मृदा है। इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? मृदा है। इसमें री की आवाज उच्चारित होती है और इसमें री की मात्रा में अपन को कौन सी? री, ये मात्रा। री की मात्रा क्या होती है? उच्चारित होती है। अतः इसे सही उच्चारण के साथ बोलने का अपन को अभ्यास करना चाहिए। जैसे वृक्ष, री की मात्रा निकल रही, वृक्ष, ग्रह, मृग, नृप, वृषभ, कृषक, और हमेशा कहाँ लगती है? नीचे लगती है। आया समझ में? जैसे एक कृषक था। कृषक किसको बोलते हैं? किसान को। उसका ग्रह घास का बना था। ग्रह का मतलब क्या होता है? घर। उसका घर कैसा बना था? घास का बना था। कृषक कृषि करता था। कृषक कृषि करता था। कृषि का मतलब खेती। वह हर साल वृक्ष लगाता था। वृक्ष का मतलब पेड़। तो वह हर साल क्या लगाता था? वृक्ष लगाता था। एक दिन मृग तृण चर रहा था। मृग का मतलब हिरण, तृण का मतलब पत्ते। नृप मृग पर घात लगाए हुए था। नृप का मतलब क्या होता है? राजा। घात लगाए हुए था। मृग कृषक की तरफ भागा। मृग बच गया। और उसने मृग ने कहा, जब वो राजा घात लगाए बैठा था, तब मृग किसकी ओर भागा? कृषक किसान की ओर भागा। और मृग क्या हो गया? बच गया। इस प्रकार आपको ये री की मात्रा का अभ्यास करना है। हमेशा नीचे लगती है। जैसे ये वह स, इसके नीचे में री की मात्रा लगाते क्या बन गया? वृक्ष बन गया। जैसे गय है, गय के नीचे में री की मात्रा लगाते क्या बन गया? ग्रह बन गया, जिसको अपन घर बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये अपना लेसन था री की मात्रा। इसको अच्छी तरह से आप अभ्यास करना, ठीक है? धन्यवाद।